हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे APBT मतलब अमेरिकन पिटबुल टेरियर वर्सेस बुल टेरियर, मतलब दोनों ही टेरियर डॉग ब्रीड के बीच में कंपैरिजन, जिससे कि आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड की तरफ जाना है और किस कंडीशन में कौन सा डॉग आपके लिए सूटेबल बैठेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनेबिलिटी के मामले में, तो ट्रेनेबिलिटी के मामले में दोनों ही डॉग इजी टू ट्रेन है, दोनों ही डॉग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप इन्हें खुद से ट्रेनिंग देके घर पे ही ट्रेंड कर सकते हो, आपको कोई ट्रेनर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। दोनों ही डॉग फैमिली के लिए हद से ज़्यादा लॉयल होते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चों के साथ रखने की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही डॉग ब्रीड अच्छी रहती है। पहले के टाइम में पिटबुल को, जिसे अमेरिकन पिटबुल टेरियर कहते हैं, वो नैनी डॉग के तौर पर इस्तेमाल करा जाता था। आज की डेट में लोग कहते हैं कि वो खतरनाक होता है, वो रखने के ऊपर बात हो जाती है। अगर आप अपने डॉग को पूरे टाइम बांध के रखोगे तो उसके अंदर एग्रेशन डेवलप होगा, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बुल टेरियर की, तो बुल टेरियर के अंदर आपको बिल्कुल भी एग्रेशन देखने को नहीं मिलता। बच्चों के लिए वो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रहता है, खेलता कूदता रहता है। तो अगर आप बच्चों के साथ रखने के सोच रहे हो और आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आप बुल टेरियर की तरफ जा सकते हो। अगर आपके घर में ऑलरेडी पैट्स हैं या आप फ्यूचर में और कोई पैट लाने की सोच रहे हो, तो आप दोनों ही डॉग ब्रीड में से किसी भी डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको अपने डॉग को प्रॉपर सोशलाइज कराना पड़ेगा बचपन से ही, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन किसी केस के चलते अगर आप उतना जोखिम भी नहीं लेना चाहते कि भाई हमारा डॉग बाई चांस खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कोई पैट लेके आए उसके ऊपर हमला कर दे, तो आप बुल टेरियर की तरफ चले जाओ, क्योंकि बुल टेरियर एक सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है दूसरे डॉग्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए, जिसके चलते कई लोग बुल टेरियर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब कई लोग आप में से ये सोचो कि भाई स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी कितनी होती है इन डॉग्स को, क्या हम इन्हें अपार्टमेंट में रख सकते हैं? दोनों ही डॉग के लिए अपार्टमेंट सूटेबल नहीं है, लेकिन आपको बुल टेरियर के अंदर एक मिनिएचर बुल टेरियर देखने को मिल जाता है, तो आप मिनिएचर बुल टेरियर को इजीली रख सकते हो छोटे स्पेस के अंदर। उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा नहीं होता, जिसके चलते आप उसे इजीली मेंटेन कर सकते हो एक अपार्टमेंट में, आपको ज़्यादा वॉक पे ले जाने की ज़रूरत नहीं हो। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ APBT की, तो APBT अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके चलते छोटी स्पेस में रह के थोड़ा बहुत एग्रेशन बिल्डअप कर लेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी रखना चाहते हो तो कोशिश ये करना आप 2 से 3 बार वॉक पे ले जाओ। नहीं ले जा सकते, डॉग ट्रेडमिल खरीद लो, वो लगा लो, जिसके चलते आपका डॉग घर पे ही एक्सरसाइज कर ले। अब आप लोगों को इनका अपार्टमेंट लिविंग और एक्सरसाइज नीड का तो पता चल ही चुका है। बात करते हैं इनके हेल्थ इशू की। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई दोनों डॉग में आप लोग यही बता जा रहे हो इतनी देर से कि आप APBT की तरफ चले जाओ या फिर आप बुल टेरियर की तरफ चले जाओ, मतलब क्या बुल टेरियर इस केस में भी अच्छा होगा? नहीं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इन डॉग्स में आपको वाइट पिगमेंटेशन के चलते, जिसे कि हम जेड फैक्टर भी कहते हैं डोमैन के केस के अंदर, वाइट जो कलर होता है उसके चलते इनके अंदर डेफनेस की प्रॉब्लम आती है, मतलब बहरेपन की, जो कि आपको APBT में देखने को नहीं मिलती। बाकी इन दोनों डॉग के अंदर हेल्थ इशू लगभग लगभग सेम ही होते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी लगभग लगभग सेम ही होता है, जिसके चलते अगर आप बुल टेरियर को प्रॉपर चेकअप करके लेते हो, उसकी ब्रीडिंग इंडिया के अंदर कम होते हैं, जिसके चलते आपको उस केस के अंदर भी बुल टेरियर एक अच्छा देखने को मिल सकता है, अगर आप प्रॉपर चेकअप करा के लेते हो पप्पी, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि आपके पप्पी के अंदर डेफनेस की प्रॉब्लम है या नहीं है। 100 में से 1 या 2 डॉग को होती है डेफनेस की प्रॉब्लम, तो आप उससे भी बेझिझक चेक करा के ले सकते हो। आपको इस चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी जब एक बारी कि आपका डॉग प्रॉपर हेल्दी है, तो आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं गार्डिंग एबिलिटी की, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस केस के अंदर आपका पिटबुल और बुल टेरियर दोनों ही गार्डिंग के मामले में बेहतरीन है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि आपको किस तरीके की गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए। आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक हो, पूरे टाइम दौड़ता भागता रहे, तो आप उस केस के अंदर पिटबुल की तरफ चले जाओ। लेकिन आपको एक माइल्ड टेम्परामेंट का डॉग चाहिए, जो कि आपके साथ घर में आराम से रहे भी, ज़्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट ना हो, एनर्जी लेवल भी मॉडरेट हो, और वो गार्डिंग का काम भी बखूबी कर ले, कोई आए जाए तो भौंक के बता दे, अटैक करना हो तो अटैक भी करके किसी स्टोर को रोक सके, तो उस केस के अंदर आपके लिए बुल टेरियर एक अच्छी चॉइस साबित होगी। तो अब आप लोग बताना कि दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक टॉपिक जो हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है प्राइस का, कि दोनों ही डॉग ब्रीड का क्या प्राइस पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 10,000+ में आपको एक अमेरिकन पिटबुल टेरियर स्टार्ट होता है। एंड प्राइस किसी भी डॉग का फिक्स नहीं होता, वो ब्रीडर टू ब्रीडर वेरी करता है, ब्रीडर कितना मांग रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसकी केयर के हिसाब से, जितनी वो डॉग के ऊपर केयर करता है उतना उसके ऊपर एक्सपेंस करता है, उसी हिसाब से प्राइस वेरी करता रहता है। तो आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी डॉग का एंड प्राइस फिक्स नहीं होता, आप स्टार्टिंग प्राइस को कभी भी एंड प्राइस मत समझना, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर की, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया उसका प्राइस होता है 10,000 से स्टार्ट। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आपको बुल टेरियर की, तो बुल टेरियर का जो मिनिमम प्राइस होता है वो आपको 15,000 प्लस से ही स्टार्ट देखने को मिलता है। लेकिन आपको एक चीज़ का अश्योरेंस हो जाता है, बुल टेरियर के अंदर आपको मिक्सेबिलिटी के चांसेस ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो पैरेट टाइप जो नोज होती है, जिसके चलते उसकी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास प्योर पपी है या नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ APBT की, तो उसमें आपको एम्स्टेफ हो गया, या फिर हम कह सकते हैं बुली से भी कई लोग मिक्स करा देते हैं, जिसके चलते वो आपको हैवी पपी कह के दे देते हैं, जिसके चलते जब वो डॉग बड़ा हो जाता है तब आप लोगों को उसके बारे में पता चलता है, अदरवाइज आप लोगों को जल्दी से उस डॉग का प्योरिटी के बारे में एश्योरेंस नहीं रहता। तो आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन सा डॉग प्योर मिल रहा है, कौन सा किस हिसाब से मिल रहा है। प्रॉपर जानकारी के साथ ही आप डॉग लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।